10:30 के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इतकाफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं मैं तुम्हें इतकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इतकाफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है, उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन 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 लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या रابطہ था, कितने अरसे से रابطہ था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किससे इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए, पिछले 3 घंटे हो गए, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। थैंक यू जी। बताइए कि आपका नाम क्या है और चांद रात को क्या हुआ और मलिक रियाज के जो साली का बेटा है वो क्या कर रहा था? मेरा नाम हुमा खान है, मेरा शोबे से ताल्लुक है। और चांद रात वाले दिन मेरी बहन इत्तकाफ पे बैठी हुई थी और वो बाहर आई, उस्मान उनको मुबारक देने के लिए आए थे। पीछे से एकदम शीशे टूटना शुरू हो गए और एकदम आदमी आ गए हमारे यहाँ पे, गन सर थी उन्होंने, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी बहन का रूप भी बंद कर लिया। जैसे मैंने चीखना शुरू किया, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, कुछ सुन नहीं रहा था, उस माँ को मारते रहे उनकी औरतें। कौन लोग थे जिन्होंने धावा बोला तोड़फोड़ की? पश्मीना रियाज मलिक की फैमिली की औरतें थी, उनके गार्ड्स थे बहुत ज्यादा, उनके सामने ऐसे बदतमीजी करते रहे। तो क्या वजह बनी, रीजन क्या थी इसके पीछे मारने की तोड़? इस तरह किसी के घर आना, चीजें तोड़ना, इस तरह कौन करता? वो जो इल्जामात लगा रहे हैं आप लोगों पे, वो कितनी हकीकत है उसमें? सब कुछ झूठ है, वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। अल्लाह ने बाकी वीडियोस भी खुद ही बना के गए थे, खुद ही वायरल की, खुद फंस गए हैं, और वीडियो में सब कुछ, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, उनकी फैमिली की जितनी औरतें भी सब दिख रही हैं। उन्होंने इल्जामात आपकी सिस्टर पे लगाए हैं, आप पे लगाए हैं। उस्मान मलिक कब से आपके साथ रابطے में था? क्या कुछ नजायज ताल्लुकात थे, हाँ या नहीं? अगर उनकी मेरी बहन से दोस्ती थी, इसका मतलब कि इस तरह ऐसे कौन करता है? वो झूठे लोग हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, बस वो यूज कर रहे हैं और हमें गलत प्रूफ कह रहे हैं। इस टाइम पे पूरा मीडिया हमारे साथ है, सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है, और वो लोग गलत है।